हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड की। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिया है। तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन था, द पॉपुलेशन एन ऑफ फिश इन ए पॉन्ड फॉलोज द लॉजिस्टिक इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.1 एन माइनस 0.001 एन स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो यहीं पे सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए। अगर हम इसको स्टैटिक्स की बात करें तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन को, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पर यहाँ जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई करोगे और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में शायद 2012 में, और क्वेश्चन था द पॉपुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम ओबेज द ग्रोथ इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन स्क्वायर। ये इक्वेशन है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ऑफ दिस इकोसिस्टम विल बी। ये आपने इक्वेशन देख ली, और जो क्वेश्चन में आप की इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट हैं और वहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें भी आप को क्या बताना है, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्फा अपॉन टू बीटा, अल्फा डिवाइड बाय टू बीटा। तो सिंपली यहां से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय टू बीटा। अगर इस इक्वेशन पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और आपसे मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड पूछता है, तो आपने उसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, तो अल्फ़ा जो दिया हुआ है आपकी इक्वेशन में, वो दिया हुआ है 0.1, और बीटा दिया हुआ है 0.001। तो अल्फ़ा अपॉन टू बीटा, ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू रख ली और टू ये हमने बीटा की वैल्यू रख ली। जब हमसे सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं किया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप डबल डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन को सोल्व करोगे। बट सिंपली हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। वो फॉर्मूला ये जो आया है फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएट करके ही आया है। हम इस इक्वेशन का हमने डबल डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, उसके बाद में एंड में आपको ये चीज़ मिला। तो हमने पूरा का पूरा वो प्रोसेस हटा दिया, केवल यही चीज़ रखी, और इससे हमने अपना ये फॉर्मूला बनाया कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टू बीटा। अब हमारे क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, हमने जस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है, वहाँ पे आपको 0.1 दिया हुआ है अल्फ़ा और 0.001 दिया हुआ है बीटा। वो यहाँ पे हमने पुट कर लिया और पुट करके हमें आपका आंसर मिल गया। सेम क्वेश्चन एक और आया हुआ है, ये शायद जनवरी 2017 में आया था, नवंबर 2017 में भी एक क्वेश्चन है। उसको आप सेम ऐसे सोल्व करके देखिए कि आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है।
100% आपको सही आंसर मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो अगर इन फ्यूचर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिना डिफ्रेंशिएट किए इक्वेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसकी हेल्प से आप आसानी से अपने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।